Let's call it in the crossfire. What's up guys, welcome back to the channel India Sonic. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियंस जो बुगाटी की कार ओन करते हैं। बुगाटी एक बहुत ही ज़्यादा रेयर कार है इंडिया में। सिर्फ एक ही बार लाई गई थी इंडिया में, वो भी 2010 में जब कंपनी ने वेरॉन को लॉन्च किया था यहाँ पर। कार की प्राइस 16 करोड़ इंडियन रुपीज़ रखी गई थी, पर अनफॉर्चुनेटली बुगाटी ने एक भी कार सेल नहीं की यहाँ पर और इस गाड़ी को भी वापस एक्सपोर्ट कर दिया गया। ये कंपनी दुनिया की कुछ सबसे फास्टेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स बनाने के लिए जानी जाती है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ये काफ़ी रेयर कार्स हैं। बुगाटी ने 2019 के पूरे साल में सिर्फ 82 कार्स ही बनाई थी। इनकी सारी कार्स हाथों से असेंबल की जाती है। बुगाटी सेल्स नंबर्स पर नहीं बल्कि परफेक्ट कार्स बनाने पर ध्यान देती है, तो आप सोच ही सकते हैं कि क्यों लोग इनकी कार्स के इतने दीवाने हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंडियंस देखने वाले हैं जो इस कंपनी की कार ओन करते हैं, तो चलिए अब हम लिस्ट शुरू करते हैं। नंबर 5 पर हम देखेंगे सीजे रॉय, जो दुबई में रहते हैं और कॉन्फिडेंट ग्रुप, जो दुबई की टॉप रियल एस्टेट कंपनीज में से एक है, उसके सीईओ हैं। इन्होंने कई मलयाली मूवीज़ भी प्रोड्यूस की हैं। ये बुगाटी की वेरॉन कार ओन करते हैं जिस पर ब्लू और क्रोम कस्टम रैप किया हुआ है, और यही सेम कलर स्कीम इनकी दूसरी कार्स पर भी हम देख सकते हैं। इस कार की प्राइस 6.2 मिलियन दिरहम्स यानी 12 करोड़ इंडियन रुपीज़ है बिना कस्टमाइजेशन के। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी सुपर कार्स और लग्जरी कार्स भी ओन करते हैं, जैसे कॉनिग्जैग अगेरा, लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर, फेरारी 458, मैकलेरन 720S, रोल्स रॉयस और बेंटलीज। नंबर 4 पर है MF हुसैन। ये इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में फेमस हैं अपने पेंटिंग्स के लिए। इन्होंने 2009 में बुगाटी की वेरॉन परचेज की थी, पर अनफॉर्चुनेटली 2011 में इनकी डेथ हो गई। ये कार भी दुबई में ही खरीदी गई थी जिसकी प्राइस 6.2 मिलियन दिरहम्स यानी 12 करोड़ इंडियन रुपीज़ है। इसके अलावा और भी सुपर कार्स ओन करते हैं, जैसे फेरारी 612 और मॉरिस 8 विंटेज कार, जो आर्टिस्ट के डेथ के बाद ऑक्शन की गई थी। नंबर 3 पर है JRD टाटा। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर, एविएटर, टाटा ग्रुप के चेयरमैन और रतन टाटा के सबसे बड़े मेंटोर थे। ये भी अनफॉर्चुनेटली 1993 में एक्सपायर हो गए। इन्हें स्पीड का काफ़ी शौक था, इसलिए अपने टाइम की सबसे तेज बुगाटी की कार खरीदी थी, बुगाटी 2000cc। ये कई बार कॉन्ट्रोवर्सीज में भी फंसे थे इसकी वजह से, क्योंकि ये पब्लिक सड़कों पर इस कार को काफ़ी तेज़ी से चलाते थे। नंबर 2 पर है मयूर श्री, जो एक US बेस्ड बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन है। ये टेक्सास में रहते हैं, जो अमेरिका का एक स्टेट है, और पूरे स्टेट में ये पहले आदमी थे जिन्होंने बुगाटी शिरोन खरीदी थी। इस कार की प्राइस 3 मिलियन US डॉलर्स यानी 21.8 करोड़ इंडियन रुपीज़ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कार इन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि अपने डैड को गिफ्ट करने के लिए खरीदी थी। टेक्सास स्टेट में ही नहीं बल्कि ये पहले इंडियन भी हैं जिन्होंने बुगाटी शिरोन को परचेज किया था। इसके अलावा इनके पास दूसरी एक्सपेंसिव कार्स भी हैं, जैसे लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर, लैम्बोर्गिनी मर्सियलागो, लैम्बोर्गिनी उरुस, रोल्स रॉयस फैंटम DHC, मैकलेरन 720S और 2 रेंज रोवर। अब आते हैं नंबर 1 पर, जहां है रूबेन सिंह। ये लंदन के एक बड़े एंटरप्रेन्योर और कॉन्टैक्ट सेंटर कंपनी ऑल डे PA के CEO हैं, जो रोल्स रॉयस के बहुत ही बड़े फैन हैं।
ये बुगाटी वेरॉन ओन करते हैं, जिसकी प्राइस 1.2 मिलियन पाउंड्स यानी 12 करोड़ इंडियन रुपीज़ है। रिसेंटली इनको किसी ने अपने टर्बन के लिए ट्रोल किया था इंटरनेट पर, तो इन्होंने पूरे हफ्ते अपनी रोल्स रॉयस कार्स को अपने टर्बन के साथ मैच किया था, जो लोगों को इंस्टाग्राम पर काफ़ी पसंद आया था। इसके बाद इन्होंने 7 और रोल्स रॉयस कार खरीद ली थी, जो खुद कंपनी के सीईओ ने डिलीवर करी थी। इसके अलावा ये बहुत सारी एक्सपेंसिव कार्स ओन करते हैं, जैसे पगानी वायोरा, ला फरारी, पोर्शा 918 स्पाइडर, मैक्लारेन P1, फेरारी F12 बर्लिनेटा और लैम्बोर्गिनी हुराकान। अब बात आती है शाहरुख खान की, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि एक्टर कोई भी बुगाटी की कार ओन नहीं करते। ये खुद इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर क्लैरिफाई भी किया था। तो इससे पहले जो भी आपने बातें सुनी थी शाहरुख खान की बुगाटी वेरॉन की, वो सिर्फ रूमर्स थे। तो चलिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इस लिस्ट में से सबसे ज़्यादा कौन सी कार पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं काफ़ी सारा कंटेंट पोस्ट करता हूँ जो यूट्यूब पर नहीं कर पाता। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।